गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित नरसुआ मेरपुरा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान हामिद खां हैं। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में 280 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 95 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 39 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 125 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 20 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, 2 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान हामिद खां, ग्राम पंचायत नरसुआ भैपुरा, न्याय पंचायत शैठेरी, ब्लॉक बहेड़ी, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली, ग्राम प्रधान नरसुआ और मेरे गाँव में मैंने पिछले जब हम प्रधान बने थे उसके बाद में 2 खरंजे, 5 सीसी और 100 शौचालय बनवा दिए हैं। अब हम गांव वाले हमें ताने देते हैं कि आप प्रधान हमारे गांव में कोई काम नहीं करा रहे हैं और हमारी बदनामी हो रही है। हम बदनामी से क्या बता सकते हैं, हमारी जो परेशानी है वो परेशानी है ही, हम बहुत लंबे जलील परेशान हैं। इस पर तो हमारा ना लड़ते प्रधान तब अच्छे रहते। सब तरफ से गांव वाले कहते हैं काम नहीं करा रहा है, सरकार पैसे नहीं दे रही है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ से लगाएं, 10-5 हज़ार का काम नहीं है, ये तो कई लाखों का काम होता है ग्राम पंचायत का, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी केंद्र भी नहीं है, न्याय पंचायत भी नहीं है और बारात घर भी नहीं है और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है, बड़ा नाला भी नहीं है और हमारे यहाँ कच्ची रास्ते नाली, हमारी पूरी ग्राम पंचायत में कोई अच्छा काम नहीं है, सब बेकार है। इसलिए हमारी बहुत किसी के लिए सरकार को कहें तब परेशानी और किसी को कहें तब परेशानी। और विधवा पेंशन नहीं बन रही है, कई कई बार हमने फार्म भर के दे दिए, उनके विधवा भी नहीं बन रही, वृद्धा भी नहीं बन रही, कोई पेंशन नहीं बन रही, कई कई बार हमने फार्म भर के दे दिए समाज कल्याण को दे देते हैं, एडीओ समाज कल्याण को, और वो कहते हैं हाँ बन जाएंगी बन जाएंगी। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबकी हम उल्टी सीधी सुनने गाँव में। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए और ईमानदारी से पैसा लगाऊंगा, उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा बहुत अच्छे ढंग से। और मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा, मैं प्रधानी का वो फैन नहीं हूँ, प्रधानी के पैसा मैं खाऊँ तभी मेरा वो चलेगा नहीं, मुझे ऐसा करना नहीं है। मुझे ईमानदारी से गांव में विकास कराना, विकास के लिए पैसा आएगा तब मैं लगाऊंगा, और विकास के लिए पैसा नहीं आएगा तो ऐसी हम गांव वालों की उल्टी सीधी सुनते रहेंगे, क्या करें।